लागी का मार्ग ओर है लगे चोट काल जा करके। तो हरियाणा खबर फास्ट में आपका स्वागत है, मैं रमेश ढाका और आज हम पहुंचे हैं राज्य हरियाणा के जिला हिसार में। पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा बनी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज और उसका ज्ञान और उसकी पुस्तकें जो पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, जगह जगह प्रचार हो रहा है, गाँव गाँव, ये हमारी धरती के ऊपर एक पहली बार हो रहा है जिस संत का 2014-18 नवंबर से हिसार जेल के अंदर बंद है उसके बावजूद ज्ञान प्रचार और प्रसार की अगर बात की जाए तो डंके की चोट पर उनका आज पूरे विश्व के अंदर ज्ञान फैल रहा है। उसी बीच आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो जनवरी 2020 के अंदर जेल से रिहा होकर आए हैं। पूछते हैं इनसे, इनके अंदर संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात हुई है, क्या इनके जीवन में रहा, अंदर से इनको क्या प्रेरणा मिली जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम भी लिया है। नमस्कार सर। मैं 2018 में चले गया कोई गलती के कारण जेल में जी, तो वहाँ मैंने जाकर देखा, कुछ इधर उधर रहा मैं कुछ दिन, फिर 2-4 महीने के बाद मैं बीड़ी नहीं पीता था, इस वजह से मेरी गिनती भक्तों के पास करवा ली मैंने, वहाँ पर चला गया मैं। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिस बैरिक में बंद थे, उसमें जो है आपने वहाँ अपनी वो लगवा ली, उसमें गिनती काट दी गई जी। जब उस वजह से काट दी गई कि हाई कोर्ट के आदेश आए थे जो बीड़ी नहीं पीते ना उनको अलग रखा जाए, वो अर्जी लगाई रखी थी ना उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने, इस वजह से उन्होंने अलग, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे वो बीड़ी सिगरेट इन चीज़ों से जो है एप्लीकेशन लगा के और जो सरकार से मांग करके अलग ही जो अपनी अलग रहने की जो व्यवस्था की गई थी हाँ, उसी में आपने लगवा लिया। हाँ, उसमें उस वजह से मैं भी नहीं पीता था तो मैं उनके पास चला गया। ठीक है। वहाँ पर वो सत्संग सुनते थे डेली शाम को, मैंने कुछ दिन सत्संग सुनया, कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगता था, वो इंटरव्यू में बोलते थे कि हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, ये वो ठीक हो गया, तो मुझे ये लगता था कि इनको पैसे दे रखे हैं, ऐसे ही पैसे देकर इनसे बुलवाया जाता है कि ये मतलब हमारा या ये ठीक हो रहा है, वो भी हमारा ठीक हो गया, या बीमारी कैंसर की ठीक होगी, मैं ऐसा थोड़े होता है, तो मतलब मैं ये सोचता था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ज्ञान तो कुछ सोच ठीक लगता था मेरे को कि ज्ञान ठीक है इनका, वेदों और ग्रंथों से मेल खाता है, लेकिन फिर समस्या ये आती थी कि वो ये बोलते थे कि हमारी ये भी बीमारी ठीक हो गई, जो संत रामपाल जी के अनुयायी थे, इंटरव्यू आता था उनका बाद में सत्संग के बाद, तो उस वजह से मैं थोड़ा मतलब ज्ञान को समझने में लेट हो रहा था। के अंदर जो टीवी की व्यवस्था कैदियों के लिए स्पेशल की गई थी वहाँ जिसमें सत्संग चलता था, हाँ, वो मतलब हर किसी को मतलब टीवी अलाउड है जेल के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब टीवी देख सकते हैं वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर कुछ ज्ञान समझा और मैंने बाहर आके नाम लिया और कुछ मेरे को फायदे भी हुए हैं नाम लेने के बाद। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा, यानी कि एक भूत प्रेत बाधा थी हमारे बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे डांगरों को तंग करती थी जी, जो हमारी भैंस थी उनको मतलब तंग रखती थी, इस वजह से हमने भैंस भी बेच रखी थी, लेकिन फिर बाद में हमने गायें रख ली, गायें को भी मतलब वो परेशान करने लग गए, भूत प्रेत की बाधा थी जो, वो बाद में हमें परेशान करने लग गई, फिर हमने सोचा कि एक बार चलो लेकर देख लेते हैं, मैं अंदर था तब ये सोचता था कि चलो लेकर देखेंगे, फिर मैंने पक्का मन में विश्वास किया, तो 2018 के अंदर मैं बाहर आ गया और फिर मैंने मार्च 2018 में नाम ले लिया 8 मार्च को, फिर उसके बाद मैंने साल एक बार नाम को ठीक रखा, एक साल मतलब जब गुरु जी को सजा की जा रही थी 17 तारीख को, जिस 16 और 17 तारीख को जिस टाइम सजा कर रखी थी उस टाइम मेरी भी तारीख थी नरवाना की मुकदमों में, 2 मुकदमों के अंदर मेरी तारीख थी, और गुरु जी को सजा होने की वजह से मैं अपनी तारीख भूल गया कि मुझे भी तारीख पर जाना है जी। क्योंकि मैं इस डिस्प्रेशन में आ गया कि गुरु जी को सजा होगी तो मैं अपनी तारीख पे नहीं गया, तो टूट गई तो अब जमानती शनाख्ती तैयार करने लग गया, तो चाचा जी के पास गया कि चाचा जी जमानती तैयार करो, मेरी तारीख टूट चुकी है, दोबारा जमानत करानी पड़ेगी नहीं तो जेल में फिर से दोबारा भेजेगा जज। ठीक है। तो वो बोले अच्छा, तुम उस दिन कहाँ था, मैं उस दिन तो मैं घर आया था, उन्होंने बोले अच्छा, तेरे गुरु जी को उस दिन सजा हुई, गया ना था तेरा गुरु जी काम था, साहब ने बोली थी ये बातें, नहीं नहीं ये मेरे चाचा जी बोल रहे थे, हाँ मेरे चाचा जी बोल रहे थे कि गया तेरा गुरु जी काम को, काम से होगी ना सजा उम्र कैद की, अब बाहर नहीं आने का। मैंने सोचा छोड़ यार कौन करा दे जमानती, मैंने उससे जमानती नहीं करवाई और फिर मैं ऐसे ही चला आया घर, फर्द फुर्द निकलवाने के लिए उचाना गया था मैं, तो वहाँ से मैं आ गया वापसी और मैंने सोचा कि मालिक देखी जाएगी जो होगी, जेल में जाना तो है ही तो वहाँ चले जाएंगे, तो फिर मैं मेरी वो तारीख जैसे ही नज़दीक आई तो मैं उस तारीख पर चला गया, तो मैंने सोचा जज साहब पकड़ेंगे और अंदर डालेंगे, तो मेरी तारीख वो लगी हुई मिली,
मेरी तारीख वो वहीं की वहीं लगी हुई मिली मेरे को। जज साहब ने ना तो गिरफ्तार किया ना किसी ने कुछ कहा मेरे को, मैं अपने साइन करके वहाँ से वापस आ गया। जिस दो मुकदमों में बल्कि मेरी तारीख टूट चुकी थी और जज साहब ने मेरे गिरफ्तारी वारंट डाल दिए थे। यानी कि और ज़्यादा सज़ा बढ़नी थी आपकी? सज़ा नहीं बढ़नी थी, गिरफ्तारी वारंट डाल दिए थे, तारीख टूट गई थी ना मेरी इस वजह से। ठीक है, इस वजह से मैंने वो चमत्कार देख के कुछ दिन भक्ति की, लेकिन फिर बाद में मेरा मन सा इस हट सी गया था कि सजा होगी गुरुजी को। फिर भी मैंने इतना बड़ा चमत्कार वो मेरे को ये दिखाना था कि मैं बरवाड़ा कांड को टाल सकता था, क्योंकि गुरुजी की तारीख टूटी थी ना, इसी वजह से उन पर ये इस तरह के आरोप लगाए गए। और फिर मैं इसी वजह से मतलब फिर मैंने थोड़े दिन भक्ति करी ये चमत्कार देख के कि तेरे को देख तेरी तारीख लगी हुई मिली है, मतलब तू तारीख पर गया भी नहीं फिर भी तेरी तारीख लगी हुई मिली है। नरवाना के मेरे दो मुकदमे थे, 46 नंबर और 48 नंबर मुकदमे थे, जो कि जाट रक्षण के मुकदमे थे मेरे, किसान आंदोलन के जो कि उचाणा के मुकदमे थे। उन दो तारीख मेरी टूट चुकी थी, उन दो मुकदमों की 17 तारीख थी मेरी, वो तारीख मेरी टूट चुकी थी और फिर मेरे को वो लगी हुई मिली। फिर मैंने कुछ दिन नाम फिर एक दो महीना और रखा, फिर मैंने नाम छोड़ दिया। फिर कुछ गलती हो गई हमारे से टुआना, हमने कुछ गलती कर दी और उस वजह से फिर से हम दोबारा जेल में चले गए गुरुजी के पास। वहाँ पर गुरुजी से फिर दोबारा मुलाकात हुई, फिर गुरुजी ने वो नाम मैंने किस लिए छोड़ दिया, क्योंकि एक पवन दास है जो जयपुर वाला है गुरुद्रोही, कुछ उसकी बातें सुनकर वो कह रहा था कि अपने ही वकील ने सजा करवाई है, ऐसी वैसी बातें हैं, मतलब वो एक किस्म की झूठ बोल रहा था, उसकी बातों में आ गया मैं। मतलब उस वजह से एक कारण वो भी रहा मेरा भक्ति छोड़ने का कि गुरु जी को गुरु जी के घर वाले फंसा रहे हैं, ये एक केवल और केवल पवन दास जयपुर वाला गुरुद्रोही है और वो अपने पैसे कमाने के लिए ही ये सब कर रहा है, मतलब कि वो इस वजह से ही बोल रहा है कि मतलब तिकड़मबाजी कर रहा है, क्योंकि उस पर काल का भी प्रभाव है, इस वजह से उसको भी दो तीन बातें कहनी आती हैं, इस वजह से वो मतलब थोड़ा प्रभावित है काल के प्रभाव से। तो आपका जो अंदर का सफर कैसे रहा, जब संत रामपाल जी महाराज से कितनी बार मिले अंदर आप, अंदर नजदीकी कितनी नजदीकी से मिले आप? अंदर में बिल्कुल सामने ऐसे दंडवत प्रणाम करी है मैंने परमात्मा से। हाँ हाँ, तो पुलिस वाले रोकते नहीं? पुलिस वाले रोकते भी थे, लेकिन कभी एक आधा नहीं रोकता था पुलिस वाला, कुछ ठीक भी होते हैं लेकिन नहीं रोकते थे, मतलब ज्यादातर रोकते थे वहाँ पर, कुछ नहीं रोकते थे। बातें भी होती थी? हाँ, बातें होती थी वहाँ पर गुरु जी से। अंदर माहौल कैसा है? अंदर माहौल तो और तो वैसे खराब ही है, जो मतलब गुरु जी के शिष्य हैं दो चार नाम ले रखा है वो अच्छे हैं, अपनी भक्ति ठीक करते हैं, गुरुजी भी ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी सुनने में आता है कि जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बैठते हैं वहाँ सत्संग जैसा माहौल पैदा हो जाता है। अंदर जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं, जैसे आपने टीवी चैनल का बताया, टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते हैं, उसी तरीके से क्या वो मंत्र जाप भी जो दे रखे हैं वो मंत्र जाप भी वहाँ करते हैं वो अंदर? हाँ जी बिल्कुल, मंत्र जाप करते हैं वो वहाँ पर। आप भी करते थे? हाँ जी, मैं भी वहाँ पर मंत्र जाप करता था, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी बात बताओ दर्शकों को, जो समाज के अंदर भ्रमणा फैली हुई है, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है, आप संत रामपाल जी महाराज से बाई फेस और बिल्कुल नज़दीकी से मिले हो हिसार जेल के अंदर, तो कोई ऐसी बातें संत रामपाल जी महाराज से हुई हो आपकी जो शिष्यों को आप बता सकें? क्या कुछ कहते थे संत रामपाल जी कभी बाई फेस, कोई दो बातें हुई हो आपकी? वो तो यही पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे, गुरुजी ने तो यही बोला था कि बाहर क्या करेंगे, मैं यहीं ठीक भक्ति कर रहा हूँ, आप जाओ बाहर, आप अपनी भक्ति करो, ज्ञान समझाओ, ये एक प्रमाणित ज्ञान है वेद शास्त्रों और ग्रंथों से, आप मेल मतलब देख भी सकते हैं आप मिलाकर, ग्रंथों से बिल्कुल मेल खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान एक नंबर है जी। और आज चैनल के माध्यम से जो ऑल वर्ल्ड आपको देख रहा है इस टाइम, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आपने हिसार जेल के अंदर से नाम जो संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा पा करके उनसे बाई फेस मिलके फिर आपने जो नाम दीक्षा ली है, समाज को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जो भ्रमित है आज भी समाज, कहते हैं कि ऐसे संत का नाम नहीं लेते समाज के लोग, कुछ भ्रमित है कि संत रामपाल जी जेल में हम नाम कैसे लें, उनके लिए आप भी तो जेल जाकर के अंदर फिर आपने बाहर आकर के नाम लिया है, मिले भी हैं संत जी से, क्या कहना चाहेंगे समाज को आप? समाज को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज का है उस ज्ञान को आप एक बार देखिए, वेद शास्त्रों से मिलाकर देखिए, और क्या कारण रहे हैं वो जेल जाने के, जो संत रामपाल जी महाराज जिस वजह से जेल गए हैं, मतलब क्या था कि तारीख टूट गई थी, वो 2006 में केस लगा रखा था उन्होंने झूठा, वहाँ पर क्रोथा कांड हुआ, उस वजह वहाँ पर भी ऐसे ही किया गया, 2006 में भी ऐसा किया गया और 2014 में भी ऐसा किया गया और 2013 या 14 में आश्रम भी दे दिया गया था वो, लेकिन आर्य समाजियों ने वो आश्रम पर मतलब हमला कर रहे हैं बार बार, इस वजह से मतलब संत रामपाल जी महाराज जेल में गए हैं क्योंकि उनकी तारीख टूट गई थी। लेकिन
मेडिकल था गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज के पास, 22 तारीख तक का मेडिकल था। उस मुकदमे में संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं, जिस मुकदमे में उनकी तारीख टूटी हुई थी, यानी कि जो वो मुकदमा था ना तारीख तोड़ने का कि आप तारीख पर क्यों नहीं आए, तो वो मुकदमा बरी हुआ है। वो मुकदमा किस वजह से बरी हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उस टाइम बीमार चल रहे थे, इस वजह से उन्होंने मुकदमा लगा दिया। वो उन्होंने पहले ही जज ने ये कह दिया कि मैं मेडिकल को नहीं मानता हूँ, और जज ने मेडिकल को फेंक दिया। और फिर 18 तारीख को ही पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर जजों ने हमला करवा दिया, क्योंकि उनके खिलाफ़ एक पुस्तक लिख दी थी भ्रष्ट कुमार जज कुमार गर्ग पर जी, जी, जी। मतलब जो ये भ्रष्ट जज है इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो ये गलत फैसले दे देते हैं, नीचे से गलत फैसला दे देते हैं, ऊपर से हाईकोर्ट से वो बरी होता है, तो मतलब ये सोच समझ के जज को फैसला देना चाहिए। तो मतलब इस बारे में ही उनकी मतलब संघर्ष कर रहे थे वो, तो इस वजह से ही प्रशासन ने उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उनको जेल में डाल दिया। इस वजह से ही मतलब झूठे केस हैं जितने भी जो भी लगे हुए उन पर, मतलब जो तारीख तोड़ने का केस था मेन मुकदमा वही था कि आप तारीख पर क्यों नहीं आ रहे हो, वही मुकदमा बरी हो रहा है। तो मतलब सोचना चाहिए, बाद में उनको और मुकदमों के अंदर दोषी करार दिया जा रहा है बेवजह ही, जबकि सारी गवाहियां उनके पक्ष में भी हैं। ठीक है, एक लास्ट सवाल है आपसे। लोगों के अंदर एक भ्रमणा है, जैसे आपका आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ये लोगों के जो हमारे पास कॉलें आ रही हैं वो कहते हैं कि पैसे दे के, अब आपको हमने पैसे दिए इंटरव्यू के? नहीं जी, कोई पैसा नहीं। रामपाल जी महाराज के बारे में जो बातें आपने बताई है, हमने आपको खर्चा दिया कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, ये क्लियर कीजिए। जो लोगों के अंदर भ्रमणा है वो कहते हैं कि इंटरव्यू जब लेते हो संत जी के अनुयायियों का, पैसे देते हो कुछ, फिर वो बोलते हैं जैसा बुलवाते हो वैसा बोल देते हैं, ये क्लियर कीजिए आप। हाँ, मैं यही सोचता था कि इनको पैसे दे रहे हैं कि ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इतने फायदे तो हो ही नहीं सकते, कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं यही सोचता था, लेकिन ऐसा होता है भाई। तो आप समझिए, उनके ज्ञान को समझिए पहले, और फिर उसको प्रैक्टिकली करके देखिए। आपको आप एक बार नाम लेकर देखिए, आपको अगर बीमारी में फ़ायदा होता है तो आगे आप कंटिन्यू रखिए, नहीं बाद में आप जो मार्ग पर जा रहे हैं उस पर आप चले जाइए। एक और सवाल आपसे कि एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही ऐसे क्या है कि जहाँ भी तारीख होती है भंडारे होते हैं, लाखों की संख्या में पहुँच जाते हैं, अन्य संत जो आज संत रामपाल जी महाराज जैसे ही अन्य संत भी कारावास के अंदर बंद हैं, उनके अनुयायी देखने को मिलते हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सबसे ज़्यादा मात्रा में पहुँच रहे हैं, ये क्या कारण है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो प्रमाणित है, इनको पता है कि हम जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं ये सच्चा मार्ग है, इस मार्ग में कोई त्रुटि नहीं है। तो आप देख सकते हैं, वैसे वेद शास्त्रों से मिलाकर इनको पता है कि सच्चाई क्या है, इसलिए ही ये तारीखों पर भी आते हैं और संत रामपाल जी महाराज के हमेशा साथ हैं।